बच्चों में जो एंजाइटी, बच्चों में जो टेंशन डेवलप होता है, किस वजह से होता है, क्यों होता है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है किरण जावेद। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। किरण, बड़ी गर्मी हो रही है, मुझे बताया कि गर्मी की वजह से एंजाइटी बढ़ती है। देखिए, गर्मी वन ऑफ द फैक्टर है कि एंजाइटी हो सकती है। एक्चुअली एंजाइटी में होता है कि इंसान बहुत ही हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। जब सेंसिटिविटी लेवल्स हाई होते हैं तो कुछ कोई भी चीज़ फील हो जाती है, कहते हैं ना छोटी छोटी बात दिल पे लग जाना, वो वाला सीन होता है। तो एंजाइटी में भी होता है, गर्मी भी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी उनको, तो उनको लगेगा जैसे घबराहट, क्योंकि एंजाइटी क्या है, घबराहट, बेचैनी। तो एंजाइटी में जब गर्मी भी होगी तो और घबराहट और बेचैनी। किरण, मैंने कितनी अजीब सी चीज़ देखी गुरुवाज कि गर्मी से ऑफकोर्स आपको एंजाइटी बहुत होती है, लेकिन फिर जब एसी चला के बिजली का बिल देखते तो एंजाइटी डबल होती है। तो फिर क्या कर रही है? बस बात तो वही है ना कि सेंसिटिविटी हाई है तो फिर कुछ भी चीज़ आपको हिट कर सकती है, फिर फंस जाते हैं। तो फिर आपको मैनेजिंग बैलेंस मैनेजिंग स्किल्स यूज करने पड़ेंगे ना, कि आपको जिस तरह की आपको बात के बड़े एंजाइटी अटैक से जो बिल को देख कर होता है उसको उससे बचने के लिए आपको पहले से कुछ बैलेंस रखना पड़ेगा। बच्चों में एंजाइटी की वजह क्या होती है खासकर? मुझे लगता है कि आई थिंक पेरेंटिंग का उससे बड़ा ताल्लुक है। देखिए, बच्चों में आपको बताऊं कि बच्चा आर वेरी एक्सप्रेसिव एंड दे आर वेरी रियल, बहुत ज़्यादा वो सच और बहुत ही ज़्यादा अपने एक्सप्रेशन का इजहार करते हैं। बट बहुत दफ़ा सिंपलिसिटी होती है, पर बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चे अपने एक्सप्रेशन को ठीक से बयान नहीं कर सकते। जब वो बता नहीं सकते तो वो जो चीज़ें हैं जो उनको डिस्टर्ब की हैं, जो उनमें ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, वो अंदर सप्रेस हो जाती हैं। और याद रखिए, जब फीलिंग्स सप्रेस होती हैं, दब जाती हैं, तो वो एंजाइटी क्रिएट करती हैं, बेचैनी। वो कहते हैं ना, अगर आपको परेशानी है तो सोचो क्या मसला क्या है, कोई बात है, उसको ट्रिगर खोलो, शेयर करो, ट्रिगर फाइंड आउट करो। अब बच्चा इतना साइकी अपनी समझता नहीं है, तो जब आप एडल्ट होते हो तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देखते हो, समझना शुरू करते हैं। इसलिए बच्चों में एंजाइटी कॉमन इसी वजह से होती है कि दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वो एक्सप्रेस दूसरे तरीके से करेंगे, पेट में दर्द है, मोशन हो गए, रो रहे हैं, दर्द नहीं, मम्मा स्कूल नहीं जाना, ट्रिगर क्या है, शायद होमवर्क नहीं किया या कोई बुली करता है स्कूल में, दब गया, बता नहीं सकते हैं, बट वो उनको इस तरीके से जिस्मानी तौर पे या साइकोलॉजिकल तौर पे उनके सिम्टम्स निकलते हैं। खैर, मुझे एक बात बताएं, जिस तरह अभी हम बच्चों की एंजाइटी के बारे में बात कर रहे थे, बच्चों में एंजाइटी डेवलप होती है, मुझे एक चीज़ जो कि ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा लोगों में देखता हूँ, पेरेंट्स हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल। वो जो पेरेंट्स हैं आजकल के, वो बच्चों के सामने बिल्कुल बगैर सोचे समझे लड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, सिर्फ आपस में ही नहीं, किसी और से भी। अगर कोई मुलाजिम है जिसने गलत काम कर दिया, उसके आगे भी चीख रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है बच्चे कितनी जल्दी वो चीज़ पिक करते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हमारे अंदर कंट्रोल एज अ पेरेंट बहुत कम है। ठीक है, हमें वही अपने सेल्फ कंट्रोल करना है ताकि बच्चा वही चीज़ सीखे और अपने आप को उसी तरह से मेंटली हेल्दी रखे। यही बात है जो मैंने शुरू में बात की थी ना, सप्रेशन ऑफ इमोशंस। अब पेरेंट्स हैं, कुछ भी करें बच्चा डर जाएगा, खौफ में आ जाएगा। ये एक्चुअली सारी नेगेटिव फीलिंग्स ही जो दबी हुई होती है वही एंजाइटी क्रिएट करती हैं, और ये कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स बनते हैं बड़े होके। बिल्कुल, और ये जब प्रोलॉन्ग करती हैं तो जो एडल्टहुड में आते हैं तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, जिसमें पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, ओसीडी भी हो सकता है, और वेरियस किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, एंड डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स बन जाते हैं वो। ठीक है, वो उनके रिलेशनशिप इशूज़ आ जाते हैं, उनकी लाइफ अपनी प्रोफेशनली भी, पर्सनल भी, जो भी रिलेशनशिप उसमें ख़राब हो जाती हैं। और फिर यही वजह है कि पेरेंट्स को बहुत सोच समझ, कहते हैं तरबियत अच्छी होनी चाहिए, उसमें ये भी शामिल है कि आप किस तरह से गुफ्तगू कम्युनिकेट कर रहे हो दूसरों के साथ, और भी बच्चों के सामने बहुत मैटर। बच्चे वही सीख रहे होते हैं। एग्जैक्टली, मुझे बात बताएं, अगर अभी हमारे शो को पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं और उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो जाए कि हमने अपने बच्चों के सामने बहुत लड़ाई की है या कुछ किसी को मिसट्रीट किया है और शायद उनके बच्चे पर कोई असर हो, वो उसको सही कैसे करें, अब बच्चे से किस तरह प्रॉब्लम को सही कैसे? देखिए, सबसे पहले तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। हमारे पास जब बच्चे को थेरेपी के लिए लेके आते हैं ना, और जब बच्चों के इश्यूज निकलते हैं तो हम ये कहते हैं पेरेंट्स आप आ जाएं सबसे पहले थेरेपी के लिए, आपको जरूरत है। एग्जैक्टली, कि अपने इमोशंस को बैलेंस कैसे रखना है, कंट्रोल कैसे करना है, सही जगह पे किसान निकालना है, डिस्प्लेस नहीं करना। ऑफिस से गुस्सा था बीवी पे निकाला, बीवी का गुस्सा था बच्चे पे निकाला। ठीक है, ये चीज़ें बहुत होती हैं। सो पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि एक तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, सेकंड बच्चों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप कीजिए, दोस्ती का, ताकि अगर उनके अंदर कोई सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं तो वो निकल सकें, वो आपसे शेयर कर सकें, आपसे बोल सकें, क्योंकि शेयरिंग से ही ये सप्रेशन निकलती है और फिर एंजाइटी ऐसे रिड्यूस और मिनिमम की तरह मिनिमाइज होती चली जाती है।